Gametogenesis, the spermatogenesis. First the contents. Spermatogenesis, location and duration of spermatogenesis, spermatogonium and the primary spermatocytes, secondary spermatocytes and the spermatids, spermatid to sperms, and the flow chart of this whole process. Friends, of talk spermatogenesis. जो मेल्स हैं सेक्श रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है कि दो तरह के गैमिट्स इन्वॉल्व हैं वन इज द मेल गेमिट्स एंड वन इज द फीमेल गेमिट्स मेल गेमिट्स को हम आमतौर तो पर स्पर्म्स कहते हैं या स्पर्मेटोजुआ कहते हैं जोआ इसलिए कहते हैं कि दे आर मोटाइल स्पर्म्स मूव कर सकते हैं इसलिए हम इसको स्पर्मेटोजुआ भी बोलते हैं जू फॉर एनिमल्स के लिए यूज होता है यानी कि मूव कर सकते हैं ये जबकि जो फीमेल गैमिट्स होते हैं उसके लिए हम आमतौर तो पर जो ओवम का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं या वो तो ओवम जो है ये बेसिकली एग जो है वो फीमेल गैमिट्स के लिए हम देखने जा रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनिस स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती कैसे है स्पर्मेटोजेनिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पर्म्स या वो बनते हैं तो हम इसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनिस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फ्राम मदर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस मियासिस इट द नाट बाई माइटोसिस इट द मियासिस तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाई द प्रोसेस ऑफ मियासिस फ्राम दे मदर सेल्स अच्छा मदर सेल्स कहते हैं वो सेल जिनसे कोई आगे सेल्स है, बनते हैं तो उनके लिए हम मदर सेल्स का वर्ड यूज करते हैं स्पर्मेटोजनिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस स्पर्मेटोजेनिस लाजमी तौर टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर अगर फर्दर देखते हैं तो उसके अंदर है सेमनी फेरस टूब्यूल्स सेमनी, फेरस सेमनी फेरस के अंदर वो खास किस्म के सेल्स जिनके लिए हम या वो जर्म सेल्स का वर्ड यूज करते हैं या स्टेम सेल्स कहते हैं तो स्टेम सेल्स एक, एक ऐसी टर्म है वो जो उन सेल्स के लिए यूज होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमारी बोन्स के अंदर स्टेम सेल्स हैं जो रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं इसी तरह से हमारे टेस्टिस के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो स्पर्म मदर सेल्स बनाते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम को बनाने वाले जो सेल्स हैं दे आर एक्चुअली द मदर सेल्स या फिर उसको हम क्या यूज करते हैं स्टेम सेल्स का जो है वर्ड यूज करते हैं एक स्पर्म्स को डेवलप होने के लिए यानी अपनी मदर सेल से स्पर्मेटोगोनियम से आगे लेकर मुकम्मल स्पर्म बनने तक का जो टाइम है इट्स अप्रॉक्सीमेटली थ्री मंथ्स तो एक स्पर्म को डेवलपमेंट होने के लिए थ्री मंथ्स जो अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर होते हैं दिस इज फॉर ह्यूमन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में ये ड्यूरेशन क्या करेगी वेरी करेगी अगर हम इस को देखते हैं तो मदर सेल जो है जिसको हम स्टेम सेल्स कह रहे हैं उसमें से कुछ डिसेंडेंट सेल्स होंगे जिन्होंने आप स्पर्म्स बनवा देने यहाँ के तो वो जो डिसेंडेंट सेल्स हैं उनको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं करें जिन्होंने आगे फर्दर यानी कि स्टेम सेल्स वाला रोल प्ले नहीं करना बल्कि उन्होंने क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट होकर थोड़ा सा इन्लार्ज हो जाना साइज में इलार्ज होने के बाद वो स्पर्मेटोगोनियम जो है उसको हम कहेंगे इट इज़ अ स्परमेटोसाइट प्राइमरी स्परमेटोसाइट का उसको नाम देंगे तो स्पर्मेटोगोनियम स्मॉल साइज़ है जब वो साइज में इंक्रीज कर जाएगा रेडी होगा स्पर्म बनाने के लिए तो हम इसको क्या कहेंगे इट इज़ अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये मियोसिस वन के प्रोसेस से जब वो गुजरेगा तो मियोसिस वन जब होगी तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी स्परमेटोसाइट्स इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन के थ्रू दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुजरे अब चूंकि मियोसिस क्या वो मियोसिस वन अगर हो तो मियोसिस टू भी साथ ही हो जाती है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फोरन से डिवाइड करके स्पर्माटीट्स बना देंगे अब दो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स थे तो टोटल जो स्पर्माटेट बनेंगे दे विल बी फोर फोर स्पर्माटेड बनेंगे और जो होते हैं ये हैप्लाइड है है। जो कि म्यूस का प्रोसेस हुआ है इसका मतलब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लाइड था और म्यूसिस के बाद जो स्पर्माटेट्स बने हैं दे आर एक्चुअली द दूसरा म्यूसिस टू के बाद वी आर हैविंग फोर जो है वो हैप्लाइड है। स्पर्माटेट जो है वो अब स्पर्माटिट्स जो हैं दे विल अंडर गो मार्फोलोजिकल चेंजेस अब उसमें मार्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे कैसे स्पर्माटेट तो है कि राउंड सेल होता है आज तक इसकी एक टेल बनना शुरू हो जाएगी साइटोब्लास जो जा है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और एक हेड रीजन आगा जिसके अंदर मेनली जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा हेड के आगे एक छोटी सी कैप बन जाएगी तो इस से इसका जो है पूरा कैप बन जाएगी हेड रीजन बन जाएगा कॉलर बन जाएगा उसके साथ आगे इसकी टेल बन जाएगी अब ये जो मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसमें स्प्रमाटेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें स्पर्म्स के अंदर जो है स्पर्म मोटाइल होता है स्पर्माटेट मोटाइल नहीं होता है यहां अगर हम इस फ्लो चार्ट में देखें तो हमें सारी इसकी जो है वो स्टेजेस नजर आ रही हैं सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है स्पर्मेटोगोनियम जो है ये स्मॉल सेल है ये आसता ये कहाँ से बना है स्टेम सेल से बना है इट विल इंक्रीज इट साइज एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बड़े साइज का सेल है और ये आगे सेल डिवीजन के लिए तैयार है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस होगी मियोसिस वन उसे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे फिर मियोसिस टू होगी उससे मज़ीद फोर जो है वो स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे स्पर्माटेट्स बनेंगे सेकेंड स्पर्माटोसाइट के बाद स्पर्माटेट्स आ जाएंगे अब स्पर्माटे जो है ये इसकी अब मार्फॉलोजिकल चेंजेस होंगी जिसको हम डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस बोलते हैं डिफ्रेंशियशन के दौरान जो स्पर्माटेट जो कि एक राउंड सेल था उसकी वो एक मोटाइल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी बाकायदा एक टेल होगी हेड होगा इसके बाकी स्ट्रक्चर जो है इसमें मौजूद होंगे तो इससे स्पर्माटेट्स डिफ्रेंशिएशन के थ्रू क्या बना देगा स्पर्मेटोजोआ बना देगा जो कि मोटाइल स्पर्म्स हैं स्पर्म्स का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ भी है